नमस्कार। सिनेमा पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंदा, देश प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली में राहुल गांधी से मिले सीएम सुक्खू, सरकार के निर्णयों से करवाया गया उनका। जी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच सत्ता व संगठन से जुड़े मसलों के साथ ही राज्य के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री सुक्खू ने राहुल गांधी को अवगत कराया कि विधानसभा चुनाव के दौरान पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का जो वायदा प्रदेश के कर्मचारियों से कांग्रेस ने किया था, उसे सरकार बनाने के बाद पहली कैबिनेट में ही पूरा कर दिया गया है। इसके अलावा महिलाओं को 1500 रुपए मासिक देने और युवाओं को रोजगार से संबंधित किए गए वायदों को पूरा करने के लिए अलग अलग कमेटियों का गठन किया गया। वहीं आपको बता दें कि उनकी रिपोर्ट आते ही आगामी कदम उठाए जाएंगे। हरीश रावत ने दी चेतावनी, बोले युवाओं पर दर्ज मुकदमे वापस न होने पर जल्द शुरू करेंगे आमरण अनशन। देहरादून महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित पुलिस मुख्यालय के घेराव कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण महारा और अन्य वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए। रावत की इस दौरान तबियत बिगड़ गई। पुलिस ने कांग्रेस के कुछ को गंतव्य से पहले ही अवरोधक लगाकर रोक लगा लिया। बता दें कि जिस पर रावत समेत सभी कांग्रेस नेता वहीं धरने पर बैठ गए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तबियत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बाद में रावत ने आरोप लगाया कि प्रदेश का नौजवान एक साफ सुथरी परीक्षा प्रणाली चाहता है, लेकिन राज्य सरकार उनकी मांगे मानने के बजाय उन पर लाठी भांज कर उन्हें जेल भेज रही है। एनसीआर में 15 मई से सिर्फ दोहरे ईंधन वाले डीजल जनरेटर चलेंगे। सीक्यूएम ने प्रदूषण पर जताई चिंता। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में 15 मई से डीजल जनरेटर सेट को दोहरी ईंधन प्रणाली 70% गैस और 30% डीजल से लेस कराने के बाद ही इस्तेमाल की इजाजत होगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQM ने शुक्रवार को कहा कि 800 किलोवाट तक की क्षमता वाले जनरेटर को औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्र के लिए इस्तेमाल की अनुमति दी जाएगी। ग्रिड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रेप लागू होने के बाद इन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। डॉक्टर बी आर अंबेडकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले तेलंगाना के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। शख्स की पहचान हमारा प्रसाद के रूप में हुई है, जिसने हाल ही में एक वीडियो रिकॉर्ड कर अंबेडकर के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणी की थी। वीडियो में डॉक्टर बी आर अंबेडकर की लिखी किताब को हाथ में लेकर शख्स ने कहा कि मैं अम्बेडकर को वैसे ही मार देता है जैसे गोडसे ने गांधी को गोली मारी थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल होते ही तेलंगाना पुलिस ने एक्शन लेते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की तेलंगाना इकाई के प्रमुख आरएस प्रवीण कुमार ने भी हमारा प्रसाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। लोग अपने मकानों के ढांचे में कर सकेंगे बदलाव। भवन निर्माण के नियमों में राहत देने की तैयारी में सरकार। पंजाब के शहरी निकायों में लोग अब अपने मकानों के ढांचे में आवश्यकता अनुसार बदलाव कर सकेंगे। स्थानीय निकाय विभाग ने शहरी स्थानीय निकायों और सुधार ट्रस्टों में भवन निर्माण में उल्लंघन को लेकर ढील देने की कवायद शुरू कर दी है। आम जनता से फीडबैक मिलने के बाद नगर नियोजन विभाग ने निर्माण में अनियमितताओं का अध्ययन करना शुरू कर दिया है। नए नियमों के तहत ऐसे मकानों का नियमितीकरण करवाया जा सकेगा जिनके निर्माण में किसी तरह से नियमों का उल्लंघन हुआ है। देश प्रदेश से जुड़ी हर बड़ी खबर पाने के लिए आप अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी वेब को।